आज अपने हक और अधिकार के लिए आप लोगों को सड़क में उतरना पड़ रहा है, ये लड़ाई कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहला तो आपका न्यूज चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार का अवगत करना चाहेंगे। सरकार जिस तरह से झारखंड में 60-40 नियोजन नीति थोपने का काम किया है, एक तो सबसे पहला 1932 खतियान के आधार स्थान नीति बने, वो भी नहीं बनाए, और जब नियोजन नीति बना भी वो भी 60-40 थोपने का काम किया, कहीं ना कहीं झारखंड के मूल झारखंडी युवाओं को ठकने का काम किया है। और झारखंड जो ऐसा स्टेट बना दिया कि पूरे भारत का कोई भी राज्य में ऐसा नहीं है कि 60-40 का नियोजन नीति बने, हर राज्य का अपना अपना नियोजन नीति बना है, हर राज्य का अपना स्थान नेता है, लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इतना भी कहेंगे कि झारखंड ऐसा राज्य बना दिया है, झारखंड को घर बना दिया, लेकिन ना उसका घर दरवाजा है ना खिड़की है। इस तरह यहाँ के जितने भी सरकार बने, क्यों ना भाजपा की सरकार हो, क्यों ना अभी JMM और कांग्रेस और RJD की सरकार हो, सभी सरकार ने युवाओं को ठकने का काम किया है। आज युवा जाग चुके हैं, आज युवा ठका नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज युवा अपना रोड में आकर अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। यदि सरकार हम सभी छात्रों का मांगे पूरे नहीं करती है तो पूरे छात्र पूरे झारखंड में बृहद आंदोलन के लिए तत्पर हो जाएंगे। और झारखंड इसीलिए बना है, झारखंडियों के लिए बना है, बिहार बिहारियों के लिए बना है, उड़ीसा उड़ीसा के लिए बना है, बंगाल बंगालियों के लिए बना है, तो झारखंड झारखंडियों के लिए क्यों नहीं, झारखंड का नौकरी झारखंडियों के लिए क्यों नहीं दे सकता है? क्यों 60 और 40 का नियोजन नीति लेके आ रहे हैं? हम लोग उसके खिलाफ हैं, पूर्ण जोर से आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरे संथाल परगना बंद है और पूरे झारखंड के तमाम सभी छात्रों से छात्राओं से बात किए, पूरा झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। आज तो एक सांकेतिक बंद है झारखंड में, ताकि चक्का जाम और संथाल परगना बंद का सिर्फ सांकेतिक बंद किया गया है। आने वाला दिन पूरे झारखंड में अनिश्चितकालीन चक्का बंद होगा, ट्रेन जाम होगा, हर तरह से आर्थिक नाकाबंदी होगा, घर घर में छात्र है, घर घर से छात्र निकल के आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम हम लोग शुरू किए हैं। आज संकेतिक दे रहे हैं, सरकार को चेतावनी कर रहे हैं, सचेत दे रहे हैं कि सरकार आप जाग जाइए। आज हम लोग रोड से आपको न्यूज़ के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि आप झारखंड हितों के लिए काम कीजिए। यदि झारखंड के आदमी आप हैं, झारखंड में आपको चुनाव लड़ना है, झारखंड में सरकार बनाना है, झारखंड में विधायक बनना है, सिर्फ आज की सरकार नहीं, झारखंड का 81 विधायक को चुनौती देना चाहेंगे छात्र। हम लोग चुनौती देते हैं छात्र समन्वय समिति, पूरे झारखंड में जितने भी विधायक हैं, यदि झारखंड हित के लिए स्थानीय नीति और नियोजन नीति तय नहीं करती है तो लोग को घर गाँव घुसने से भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। और चुनाव जहां चुनाव लोग आएंगे, हम लोग सवाल पैदा करेंगे, आपको बनाया है जनप्रतिनिधि, इसलिए बनाया गया था आपको, यहां के युवाओं के लिए झारखंडी हितों के लिए आपको योजना तय करना था, यहां के नियोजन तय करना था, यहां विस्थापन नीति हर नीति तय करना था, ताकि उसका हर नीतियों से लाभ मिल सके झारखंड वासियों को। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वोटिंग तक सीमित रखा गया है, जिस समय वोट होता है समय चुनाव में हर गांव गांव जाता है, चुनाव में कहा जाता है कि हमको जिताइए, हम ये करेंगे, लेकिन आज तक हर नेताओं ने विश्वास तोड़ दिया है, इसलिए रोड में आने का मोहलत पड़ गया है। और झारखंड बंदी का हम लोग ऐलान किए हैं, झारखंड बृहद पैमाने पे बंदी होगा और उसका नुकसान जितना भी होगा भरपाई झारखंड सरकार को करना पड़ेगा। आज हम लोग और चेतावनी देना चाहेंगे कि आज हमारे झारखंड के तमाम युवा नेताओं से बात हुई कि आज तो सिर्फ संथाल परगना बंद है, हम लोग झारखंड बंद के लिए भी बृहद पैमाने से प्लानिंग बना रहे हैं। और उसके और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे, घर घर से अभी विरोध होगा और प्रत्येक जितना भी विधायक 81 विधायक दोषीदार है। हम आज के जो सरकार हैं उसको तो दोषी ठहरा रहे हैं, उससे ज़्यादा दोषी ठहरा रहे हैं भाजपा सरकार को, जबकि झारखंड बनने आज 23 साल होने चला और 23 सालों में से 17 साल भाजपा ने राज किया, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा कि झारखंड युवाओं के लिए नौकरी देंगे। उसे और गुनहगार और अभी आज हेमंत सरकार जो बना है झारखंड, JMM और कांग्रेस और RJD, ये लोग तो चाहता है कि छात्रों का ऐसा उलझा के पढ़ देंगे कि, और भाजपा की एक मांगसा है कि नियोजन नीति तय नहीं होगा तो JMM कांग्रेस और RJD का सरकार गिर जाएगी, फिर भाजपा का सरकार बनाएंगे। छात्र ऐसा होने नहीं देगा, किसी का भी सरकार बने झारखंड हित के लिए काम होना चाहिए, यहाँ की युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, झारखंड खतियान आधार नियोजन नीति बनना चाहिए। और 60 नियोजन नीति हम लोग विरोध करते हैं और हमेशा विरोध करेंगे, जब तक लागू नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा।